प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि जो कि 28 जुलाई को पैसा सबका आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं जो कि 11.5 करोड़ के आसपास जो कि यहाँ पर आवेदन हुआ है, यानी जो कि इसके लाभार्थी हैं, लेकिन यहाँ पर सबको पैसा नहीं मिलेगा। सिर्फ यहाँ पर देख रहे हैं जो कि यहाँ पर 8.5 करोड़ ही यानी 8.5 करोड़ ही लोगों को पैसा मिलेगा। बाकी बात करते हैं किनको पैसा नहीं मिलेगा और किनको मिलेगा, तो उन्हीं का स्टेटस आज आपको चेक करके बताएंगे। तो वीडियो में वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहना, लेकिन चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास में शो हो रहे बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना, ताकि जब हम कोई ऐसे ही वीडियो लाएं उसका भी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर 14वां इंस्टॉलमेंट यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि 8 तारीख सॉरी यहाँ पर 8.5 करोड़ पीएम किसान बेनिफिट को मिलेगा। बाकी यहाँ पर नहीं मिलेगा, वो भी 28 जुलाई जो कि 11 बजे मिलेगा। तो अब बात करते हैं किसको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको न्यू टैब ओपन करना होगा और उसके बाद यहाँ पर गूगल में सर्च करना होगा पीएम किसान, यानी पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना होगा। और यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे जो कि यहाँ पर देख रहे हैं नाउ एयर स्टेटस, तो जी हाँ आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो जी हाँ, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेना होगा। तो मैं यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेता हूँ, उसके बाद यही कैप्चा कोड लिख करके आपको गेट डाटा पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर कैप्चा कोड लिख लेता हूँ जो कि यहाँ पर देख रहे हैं। कैप्चा कोड लिखने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड लिखने के बाद आपको गेट डाटा पर जैसे ही क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर नीचे आएंगे जो कि आपका देख रहे हैं स्टेटस सब कुछ शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं एलिजिबिलिटी स्टेटस है, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके अपना सब कुछ चेक कर लेना है। तो मेरा यहाँ पर सब कुछ सही है जो कि यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद इसमें यदि बात करते हैं, यदि आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी आ चुका है, जैसे मान लीजिए एलिजिबिलिटी स्टेटस है और दूसरा होता है इनएलिजिबिलिटी स्टेटस, तो यदि आपके यानी स्टेटस में इनएलिजिबिलिटी का ऑप्शन आ चुका है, समझ लीजिए आपको पैसा नहीं मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स है, तो जी हाँ ये तो सब कायम रहता है यानी सब में रहता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो कि इन एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आ चुका है, समझ लीजिए आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं जिनका देख रहे हैं एफटीयू प्रोसेस्ड यस है, तो उसको 100% यानी 100% पैसा मिलेगा, जो कि यहाँ पर 28/2 यानी 28 फरवरी का है, तो इससे नहीं मतलब है। तो यहाँ पर आपको लास्ट किस्त का चेक करना है, तो मैं यहाँ पर 13वां किस्त का चेक करता हूँ। तो 13वां किस्त का चेक करने के बाद भी यहाँ पर देख रहे हैं एफटीयू प्रोसेस्ड जो कि यहाँ पर यस हो चुका है, यानी इनको 100% पैसा मिलेगा। यहाँ पर एफटीयू प्रोसेस्ड यस होना चाहिए। और यहाँ पर देख रहे हैं वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे आपका आरएफटी बाई हो या आपका वेटिंग हो या अप्रूवल हो या कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपका एफटीयू प्रोसेस्ड यानी फंड ट्रांसफ़र यानी आपका सही होना चाहिए और उसके बाद आपको पैसा 100% मिलेगा। सो इस वीडियो में यही बताना था। तो वीडियो से संबंधित कोई आपका डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट जरूर पूछना, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो लेकर के।